उसके पैर में बहुत ज़्यादा लगी है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं आप लोगों को सब दिखाऊंगी कि उसको कितनी ज़्यादा चोट लगी है। वो एक्सयूवी तो देखो खत्म ही हो चुकी है, बिल्कुल एक्सयूवी भी दिखाते हैं अभी। हाँ, क्या भयंकर, मतलब खत्म है बिल्कुल। बस यार उस प्रे करना कि अब जितने भी उसको अब तो लग गई जो होना था हो गया, कि बस अब वो ठीक हो जाए। लेट्स गो। हे गाइस, तो हम लोग आज रचित के ब्लॉग के स्टार्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है कि रचित ब्लॉगिंग नहीं कर पाएगा और उसने कल भी ब्लॉग अपलोड नहीं किया। लेकिन आप लोगों को इन्फॉर्म तो कर ही दिया था कि उसके पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। मतलब इतना ज़्यादा भयंकर एक्सीडेंट हुआ है कि एक्सयूवी भी पूरी आगे से टूट फूट गई है और उसके पैर में बहुत ज़्यादा लगी है। वो हॉस्पिटल में एडमिट है। हम लोग उसको मतलब रात में हॉस्पिटल में, हम लोग सब साथ में ही थे, बट फिर उसने बोला कि यार तुम लोग कब तक ऐसे साथ में रहोगे, तुम लोग घर चले जाओ, खाना वाना खा लेना आराम से और फिर दोपहर या शाम तक आ जाना। तो हम लोग आ गए थे, तो अभी हम लोग रचित के पास ही जा रहे हैं हॉस्पिटल में। मैं आप लोगों को सब दिखाऊंगी कि उसको कितनी ज़्यादा चोट लगी है, तो वो सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं मतलब हम लोग ये सब रिकॉर्ड नहीं करने वाले थे, पर फिर रचित ने बोला कि सिब्बू मैंने ना ऐसे बोला है कि रेगुलर व्लॉग आएंगे अपनी ऑडियंस को, तो मैं तो कर नहीं पा रहा हूँ, एटलीस्ट तू ही स्टार्ट कर दे, तू ही बता दे। तो इसलिए हम लोग घर से निकल रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो यार रचित ने बोला है तो कर देते हैं। तो जब मैं उसकी कंडीशन बताऊँ, इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना उस टाइम पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसको कैसे संभालें, क्या करें। और ये मिक्की तो मतलब देख के ही हैरान था कि क्या हो गया। और ये बल्लू, मतलब हम सबके पूरे फेस के रिएक्शन ही गायब थे। हम तो बस मतलब रात को बैठे हुए थे, एकदम ही पता चला कि एक्सीडेंट वगैरह हो गया। हाँ, ये और मैं, हम दोनों ना एडिटिंग पे बैठे थे कि एक्सीडेंट हो गया। और वो है ना निशांत, वो लेकर आया इसको, हमारे तो बिल्कुल होश उड़ गए थे। चलो ठीक है, अभी मैं रेडी हूँ जाने के लिए हॉस्पिटल, ये दोनों भी रेडी हो गए हैं, तो चलो अभी चलते हैं रचित के पास। वो एक्सयूवी तो देखो खत्म ही हो चुकी है, बिल्कुल एक्सयूवी दिखाते हैं अभी। हाँ, क्या भयंकर, मतलब खत्म है बिल्कुल। हाँ, एक्सयूवी तो दिखाएंगे ही। और अभी तो देखो जो वो थी हमारे पास, जो टिगोर है, जो चार गाड़ियां हैं, तो एक जो है वो आंटी के पास है टिगोर, विनय की टियागो, जो टिगोर टियागो है ना, टियागो वो जो है वो भी गई है शायद सर्विस पे। नहीं, वो उत्तराखंड गए ना। अच्छा, हाँ, सॉरी, वो उत्तराखंड गया है, तो अपनी गाड़ी लेके गया है, और एक्सयूवी तो का एक्सीडेंट हो चुका है। तो अभी हमारे पास कोई भी गाड़ी नहीं है जाने के लिए, तो अभी हम क्या करेंगे, कैब बुक करेंगे और कैब से जाएंगे। कैब कर दी बुक? कर दी रितिक। हाँ, तो गाइज अभी हम कैब कर रहे हैं बुक और हम कैब से जाएंगे। सो गाइज, मेरे को बस थोड़े कैश वैश और पैसे वैसे लेने थे, मतलब कैश लेने थे और पर्स वर्स लेना था, जो मैंने ले लिया है। अभी इनसे पूछते हैं कैब बुक हो गई, कितनी देर में आ रही, कितनी देर में नहीं। रितिक, कर दी कैब बुक? 2 मिनट लगेगी। तो चल उतरते हैं, फिर वो खड़ा रहेगा, वेटिंग चार्ज अलग से लगाएगा। चल मिक्की ले ले। हाँ, आ गई, 2 मिनट में आ जाएगी नीचे, तो चल आ जा, जल्दी आ जा, जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी फटाफट आ जाओ यार। वो टेबल पे वो पर्स रखा है मेरा, वो उठा ले, वो उस रूम में टैडी के पीछे। चलो भाई जल्दी 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 यार, ऐसे सिचुएशन में ना लिफ्ट वगैरह भी जल्दी नहीं आती। अभी तो गाड़ी की हालत देख रहा है, तो कचुम्बर आगे की ना हेडलाइट भी मतलब नीचे को हो रही है, आगे आगे को जाके गिरी पड़ी थी भाई हेडलाइट। चला जा। सो यार मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ हमेशा ये मतलब क्या होता रहता है। कभी अभी देखा था उसके कांच के टुकड़े लग गए थे पूरे फेस पे, आज तक निशान पड़ा हुआ है उसके, कभी यहाँ पे लग गया, फिर उसके बाद उसके पैर टूट गया था, फिर मतलब उसको नजर इतनी लग जाती है उसको, उसके साथ पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा उसके साथ हो क्या रहा है। बस यार उस प्रे करना कि अब जितने भी उसको अब तो लग गई जो होना था हो गया, कि बस अब वो ठीक हो जाए। सो गाइस, हम लोग नीचे आ चुके हैं और कैब वाले भैया अभी तक नीचे नहीं आए, हमें बोला 2 मिनट में आ जाएंगे। हाँ बात कर ले। हाँ, एक्सयूवी देखो यार बाहर खड़ी है, मैं लेके चल रहा हूँ आपके। हाँ, मैं अभी आपको एक्सयूवी की हालत दिखाती हूँ। ये ठीक भी हो भाई,
पता नहीं, दिखा देती हूँ पहले चल के लोगों को, ऑडियंस को। तो यार पता है उसको इतना ज्यादा, गाइस 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 भाई मुझे तो ले चलो हॉस्पिटल। आप कब आए? मैं तो यही था। क्या दिखा ये, रहे हो ये क्या है? एक्सयूवी दिखा रहे हो? एक्सयूवी दिखा दो पहले, दिखा दो बैक कैमरा करके दिखाओ पहले, एक्सयूवी दिखाओ जाओ। सो गाइस ये रही अपनी एक्सयूवी, बाहर खड़ी है और बाहर बहुत ज्यादा धूप है। और ये रहा आपका रचित रोजा। गाइस मुझे सच में कुछ नहीं हुआ, सब ये भाई जलाओ पहले तो गर्मी लग रही है वहां बहुत। मेरे पैर ठीक कैसे हो गया आपका? ये सारी की सारी साजिश है, साजिश। पता है क्या? सो गाइस इट्स अ प्रैंक। ये गाइस प्रैंक हो गया आप लोगों के साथ, क्योंकि देखो आप लोग ना बहुत कमेंट करते थे सिब्बू दीदी के ऊपर एक्सीडेंट का प्रैंक करो, सिब्बू दीदी के ऊपर एक्सीडेंट का प्रैंक करो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सिब्बू से पहले आप लोगों के ऊपर एक्सीडेंट का प्रैंक किया जाए। हाँ, इसने मेरे को बताया और मैंने आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़े। मतलब आपको इतना मजा आता है कि रचित मेरे साथ प्रैंक करता है। मैंने कहा यार हम दोनों मिलकर ना इनके साथ प्रैंक करते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया। मुझे सच में कुछ नहीं हुआ, कभी आपको लगे कि मुझे कुछ हुआ है। लेकिन ये देख सकते हो ये मेरे शूट के हैं जो मेन चैनल पे शूट किया था मैंने कभी 3-4 साल पहले, तो उसमें ये यूज हुआ था, तो ये इसलिए है। और मेरे पैर दिखा देता हूँ, कभी सोचो कि मैं पागल बना रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है। देखो भैया आपके पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है। हाँ भाई प्लास्टर है, अभी दिखाता हूँ ना प्लास्टर। ये देखो मेरे दोनों पैर बिल्कुल ठीक है और मैं आसानी से चल भी पा रहा हूँ, कभी सोचो। देखो ये देखो, लेकिन भाई गाड़ी की हालत तो खराब है यार। गाड़ी की हालत भी दिखा देता हूँ, अबे गाड़ी की हालत भी दिखा देता हूँ। लोगों की बहुत कमेंट आई थी एक्सीडेंट हो गया, कितनी लगी आपको, कितनी लगी गाड़ी को, कितनी लगी। तो ये देख लो भाई गाड़ी कहाँ से लगी है, कहीं से नहीं लगी, चकाचक है भाई दोनों साइड से। देख लो ये छोटी सी स्क्रैच होता पहले की, और इतनी स्क्रैच में मुझे क्या होगा। पीछे से दिखा देता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, इट वॉज जस्ट अ प्रैंक गाइज। ये देखो, सॉरी गाइज मुझे माफ कर देना। और ये मैंने टाइटल में भी लिख दिया है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि ये थोड़ा सा इमोशनल और खतरनाक सा प्रैंक हो गया आप लोगों के साथ। बट काफी सारी कमेंट आई तो मैंने सोचा कि एक बार प्रैंक करना आप लोगों के साथ तो बनता है, क्योंकि हमेशा मैं सिब्बू के साथ प्रैंक करता हूँ, विनय के साथ प्रैंक करता हूँ, मिक्की के साथ प्रैंक करता हूँ। तो इस बार मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ प्रैंक किया जाए। तो इसलिए एक बार बता दूं, मैंने ना रचित को मना भी किया था कि यार ये इतना भयंकर प्रैंक मत करो, कह रहे ना पर फिर मैंने सोचा कि नहीं सिब्बू, ऑडियंस बहुत बोलती है कि सिब्बू के ऊपर प्रैंक करो एक्सीडेंट वाला, तो मैंने सोचा कि इस बार ऑडियंस के ऊपर ही प्रैंक हो जाना चाहिए, तो फिर इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन जैसे ही पता चला ना, मेरे पास पता कितने फोन आए थे, सुषमा आंटी का और एक दो लोग और जो मेरे शूट पे बंदे आते हैं उन सबके ऐसे मैसेज और फोन आए थे कि बाल बाल आ रहे थे, कि क्या हो गया रचित भाई को, ज्यादा तो नहीं लगी? ठीक है, मैंने आंटी को तो बता दिया आंटी प्रैंक कर रहे हैं ऑडियंस पे। अरे तू ये पता है गाइस, मतलब मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों फोन करके कह रहे सच सच बता क्या हुआ है। मैंने बोला मम्मी कुछ नहीं, प्रैंक करना हूँ बस, मतलब ऐसे ही एक प्रैंक वीडियो बनाऊंगा। तो उनका यकीन नहीं हो रहा, उन्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो मैंने इतनी बार बोला अरे कुछ नहीं हुआ सच में, विनय इतना सीरियस हो गया। विनय का तो बताए मत भाई, क्या विनय के साथ ना ऐसी मजाक में इसने फोन उठा के प्रैंक किया मिक्की ने, फिर इन्होंने मेरे को भी प्रैंक में इन्वॉल्व कर लिया। नहीं विनय की मैं बताता हूँ स्टार्टिंग से क्या था। मैंने जब वो डाला ना 1 मिनट की वीडियो बना के कि गाइस मेरा एक्सीडेंट हो गया आज ब्लॉग नहीं आ पाएगा, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद आता है विनय का फोन कि क्या हो गया इसको। तो हमने सोचा कि विनय को नहीं बताएंगे, विनय को हम बोलेंगे कि सच में एक्सीडेंट हो गया। तो उसके बाद भाई विनय ने सिब्बू के पास फोन किया, मिक्की के पास फोन किया, सबके पास फोन करा, इन्वॉल्व हो गए है ना। हम सब ने बोला विनय को कि भाई एक्सीडेंट हो गया। और मैंने बात करी नहीं, ये बोल रहे रचित तो अंदर है भाई, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, इलाज चल रहा है, ऐसे ऐसे करके वो फुल सीरियस कह रहा भाई अभी अभी इसके घर पे फोन करता हूँ क्या हो गया ये वो, अभी के अभी उत्तराखंड से आ रहा हूँ, फिर मुझे गालियां पकड़ा कि गाड़ी ठीक से नहीं चलाता ये वो। तो उसके बाद भाई शाम को जाके मैंने उससे बात करी और फिर बताया अरे प्रैंक कर रहे हैं भाई कुछ नहीं हुआ। कह रहा नहीं वीडियो कॉल करके अपने पैर दिखा, फिर मैंने उसको वीडियो कॉल करके पैर दिखाए। उसके बाद कह रहा नहीं झूठ बोल रहे हो तुम, वीडियो कॉल करके एक्सयूवी दिखा, फिर मैंने गाड़ी दिखाई, फिर उसको कहीं थोड़ा बहुत जाके यकीन हुआ और फिर और गालियां बकी उसने मेरे को कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और गाइस हमने ना इस प्लान में जिसको वो फोन करता ना, जैसे पता चल रहा है बंदा ये भी कनेक्टेड है, सबको कॉल मिला। जैसे वो अमन को फोन करता तो अमन को हम पहले ही बोल देते, निशांत को फोन करता तो उसको भी पहले ही बोल देते कि भाई यही बोलना है कि रचित का एक्सीडेंट हो गया है। तो गाइस इट वॉज जस्ट अ प्रैंक। मेरे पास भी बहुत सारे लोगों के फोन आए, मैसेजेस आए, मैंने हालांकि मेरी मम्मी भी फोन करके पूछ रही थी कि
क्या हो गया रचित को, कैसे लग गई, कितनी ज्यादा लग गई। फिर मैंने पहले थोड़ी देर मम्मी को ऐसे किया, अरे कैसे लग गई, फिर मैंने ऐसे बताया, फिर मम्मी को बोल दिया, कह रहे मम्मी प्रैंक कर रही है। तो ये सारा सिनेरियो था भाई, बहुत लोगों के मैसेज कमेंट आए गेट वेल सून गेट वेल सून गेट वेल सून, बट कुछ हुआ ही नहीं था, तो मैंने कुछ रिप्लाई वगैरह किया नहीं। इंस्टाग्राम के ऊपर जितने भी फैन पेजेस है ना, सब ने मतलब कम से कम भी 100-150 स्टोरियां लगाई होंगी, मैंने किसी को भी कल मेंशन बैक नहीं किया क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं था, तो इसलिए। लेकिन वो गेट वेल सून की इतनी सारी कमेंट, और सिब्बू से सीखा मैंने, सिब्बू से यार सीखा। तुम्हारा प्लान था ये, मैं तो ऐसा कभी करती भी नहीं हूँ ऑडियंस के साथ, पर ये ड्रामेबाजी मैंने तेरे से सीखी है। ड्रामेबाजी अच्छा मेरे को लगती नहीं है, मैं फिर भी तुझे कहती हूँ मुझे लग गई। खुद ही बता रही है तू, ऐसा तो कुछ मेरे दिमाग में नहीं था, बट तू खुद बता रही है तो इसका मतलब ऐसा कुछ होता ही होगा। मैंने ऐसा कभी नहीं किया है। तो गाइस प्लीज देखो, बुरा मत मानना और कमेंट्स में मेरे को उल्टा सीधा बुरा भला मत बोलना, क्योंकि देखो प्रैंक आप लोगों को देखना होता है, तो इस बार मैंने थोड़ा एक्सट्रीम लेवल का प्रैंक आप लोगों के साथ ही कर दिया, ठीक है। तो चलो अभी एक काम करते हैं, ऊपर चलते हैं, यहाँ और रखे बहुत ज्यादा गर्मी, ऊपर चल के फिर थोड़ी और बातें करते हैं। चलो एक बार ऊपर चलो यार, बहुत गर्मी हो रही है। तो चलो गाइस अभी आ गए ऊपर, और अभी यहाँ इसी में आके बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने देख लिया मुझे कुछ नहीं हुआ है, एक्सयूवी को भी कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ सब ठीक है। और आप लोग जो इतनी कमेंट, इतने मैसेजेस और इतनी स्टोरी मेंशंस कर रहे थे, तो उसके लिए थैंक यू। अच्छा लगा कि मुझे कुछ होता है तो आप लोगों को हर्ट होता है, बट सच में इस बार कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। और प्लीज कमेंट में मेरे को उल्टा सीधा मत बोलना, गालियां मत देना ये एक प्रैंक किया था बस, तो मैंने कोई भी नहीं देगा यार, कैसी बातें कर रहे हो। नहीं गाली तो देखो इंस्टा, आजा बेटा तू, बस इतना जरूर बोलेंगे कि भैया आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको पता है हमें कैसे हुआ क्या हुआ, क्योंकि ऐसे फोन आया ना मेरे पास बहुत सारे। नहीं मेरे पास भी बहुत सारे फोन आए, मैंने तो उठाए नहीं, बंदों को भी एंड में मजा आया होगा, पहले तो बंदे सैड होंगे पता नहीं। अच्छा चलो ये बताओ, ये मतलब आपको कैसा लगा ये प्रैंक और ये व्लॉग जो मैंने बनाया, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताओ। अगर एक्टिंग में दम होगा ना इंस्टा, तो, नहीं यार तो लोगों को गुस्सा आएगा, मैं सच बता रही हूँ, अगर एक्टिंग में दम होगा तो, क्योंकि वो देखो प्रैंक होता है, किसी के साथ गुस्सा नहीं आता, तुमने मेरे साथ छिपकली प्रैंक कॉकरोच प्रैंक किया है, अब मुझे तो गुस्सा आता है, अब जो मेरे जैसे होंगे उनको गुस्सा आएगा कि ये क्या था। चलो गाइस आप लोग ही कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा, ठीक है। अभी इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मेन चैनल के ऊपर कल आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, मेरी परसों और सिब्बू की परसों, तो उसके लिए भी रेडी रहना। एक और धमाकेदार वीडियो के साथ मिलते हैं फिर जल्दी ही, और नए ब्लॉग के साथ कल मिलेंगे। तो आई होप पसंद तो पता नहीं आया होगा, नहीं आया होगा तो वो आप लोग कमेंट करके बता देना, यही मेरे को जानना है, ठीक है। लाइक कर देना, कमेंट करना कैसा लगा ये प्रैंक और कैसा लगा आपको हमारा ड्रामा। जो लोग चैनल पे नए हो इसके ड्रामे बाजी देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बता दो ऐसा आगे से ऐसा प्रैंक नहीं करूंगा अगर आपको बुरा लगा होगा तो, ठीक है। लेकिन सिब्बू के साथ तो करा करूंगा मैं दबा के प्रैंक। कोई नहीं, तेरे को मैं झांसे में ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो गाइस बाय बाय, लव यू, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, और कल नई वीडियो भी आ जाएगी मेरी मेन चैनल पे, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। बाय बाय गाइस, लव यू। ब्लर कैसे हो गए, बाय बाय बाय।